हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज की ये वीडियो है उस रील के ऊपर जो रील मैंने शेयर की थी इंस्टाग्राम पे, नो लॉस आयरन फ्लाई। तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए कि नो लॉस आयरन फ्लाई आपने दिखा तो दिया, लेकिन ये बनाना इम्पॉसिबल है और जो भी इसको बनाएगा वो लॉस करेगा, ऐसे कॉमेंट्स आ रहे थे बहुत सारे। ठीक है, तो एक ये भी कॉमेंट आ रहे थे, प्लस ये भी आ रहा था कि ये जो आप बता रहे हो सब फेक है एंड ऑल। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ भाई। मैंने आपको गाड़ी चलाना सिखाया, लेट से अगर आपने 15 दिन की ट्रेनिंग ली, जो इंस्टीट्यूट होते हैं, ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं, वहाँ से 15 दिन की आपने ट्रेनिंग ली, मुँह से भी ट्रेनिंग ही निकलता है। तो आपने ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेने के बाद 15 दिन बाद आप सोचते हो आपसे बड़ा मास्टर कोई नहीं है, आपसे बड़ा ड्राइवर कोई नहीं है और आपसे बड़ा रेसर कोई नहीं है, और आपने सीधा गाड़ी को ले जा करके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर उतार दिया और आप चलाने लगे 160 170 की स्पीड में। अब भैया क्या होगा आपके साथ? एक पीछे से कोई भी बड़ा ट्रक, बड़ा व्हीकल कोई भी गुजरेगा ना स्पीड से, आपकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी, आपसे संभलेगी नहीं। ठीक है, आपसे संभल नहीं पाएगी वो, चाहे आपने 15 दिन में कितना भी कुछ सीखा हो। ठीक है, तो मोटा मोटी मुद्दे वाली बात ये है कि भैया जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स है ना, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, उनको पता है चलती मार्केट में किस हिसाब से चीजें, किस हिसाब से अपने स्ट्रेटेजीज को बनाया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है, एडजस्टमेंट्स करी जाती है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें हम बना के रील डालते हैं। ठीक है, और हम उस चीज को प्रूफ भी कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आप लोग, आपको ट्रेनिंग आपने ली 2 4 दिन की, किसी से कोई स्ट्रेटेजी सीखी और सीधा मार्केट में जाकर उसको अप्लाई कर दिया, तो आपको नुकसान लगना ही लगना है। फिर आप उसको मेंटोर को गलत बोलोगे कि नहीं इसको ये गलत बताता है, तो वो चीजें गलत है। ठीक है, एक सेकेंड, चलो। तो आज मैं इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा सब जगह। आप लोग मेनली ये देखो कि नो लॉस आयरन फ्लाई बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो भैया एक होती है प्लेन आयरन फ्लाई, प्लेन आयरन फ्लाई के साथ एक होता है एडजस्टेड आयरन फ्लाई। ठीक है, ये एडजस्टेड आयरन फ्लाई है, प्लेन आयरन फ्लाई नहीं है। प्लेन आयरन फ्लाई के अंदर 1:1 से ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड नहीं आता। अगर आप 1 रुपए दोगे मार्केट को, तो मार्केट भी आपको 1 रुपए दे देगा। लेकिन अगर आपको 1 रुपए मार्केट को देना है और वहां से कुछ 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए लेना है, तो उसके लिए आपको एडजस्टेड आयरन फ्लाई बनानी पड़ती है या एडजस्टेड बटरफ्लाई बनानी पड़ती है। जितनी भी स्ट्रेटजी एडजस्टेड बनानी पड़ती है, तो वो कैसे बनती है वो आज सीखते हैं। तो ये है भैया मेरा अकाउंट आपके सामने, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ स्ट्राइक्स लगी हुई है। ये मेरा आज का काम है, यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, डेली लिखा हुआ है, ये मेरी आईडी है, डेली लिखा हुआ है, निफ्टी है, सारे निफ्टी के ट्रेड है, और डेली का मतलब आज के ही ट्रेड है सारे। ठीक है, चलो अब इसके अंदर देखते हैं कि आज हमें ये 64,000 का प्रॉफिट आया कैसे है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे 5 स्ट्राइक है, आयरन फ्लाई के अंदर 4 स्ट्राइक्स होती हैं, यहाँ पे 5 स्ट्राइक है। पांचवी स्ट्राइक जो है उसके अंदर प्रॉफिट सिर्फ 1,432 रुपए का है, तो मैं अभी इसकी बात नहीं करूंगा, इसको इग्नोर करते हैं, मैं इन वाली स्ट्राइक्स की बात करूंगा। ठीक है, इन स्ट्राइक्स के अंदर क्या हुआ है आज देखो, मार्केट मॉर्निंग में 400 के अराउंड खड़ा था और मुझे ये आइडिया लग रहा था कि मार्केट 400 पे एक्सपायर करेगा, तो 400 की हमने सी एंड पी दोनों को हमने सेल कर दिया, 350 की पी को और 450 की सी को बाय कर लिया, जस्ट टू हेज दिस स्प्रेड, दिस ट्रायंगल। ठीक है, दिस स्ट्रैडल, सॉरी। तो ये स्ट्रैडल हमने बेचा हुआ था, इस स्ट्रैडल को हमने सेव करने के लिए इन दोनों को परचेज कर लिया, आगे पीछे वाली को, इसे बोलते हैं आयरन फ्लाई, दैट्स इट। इसके अलावा आयरन फ्लाई का कोई मतलब नहीं है। आप एक स्ट्रैडल बेचते हो और स्ट्रैंगल बाय करके उसको हेज कर देते हो, वो आयरन फ्लाई होती है। अब इसके अंदर एडजस्टेड यानी कि नो लॉस कैसे बनती है वो एक बार देख लेते हैं। देखो, पहले मैं आपको इन चारों स्ट्राइक के ना इनिशियल, सबसे पहले ट्रेड दिखाऊंगा, सबसे पहले ट्रेड कौन से थे और कब डले हैं। ठीक है, एक एक करके चलते हैं, सबसे ऊपर से चलते हैं। 350 की पुट, 350 की पुट का पहला ट्रेड 9:56 पे था। ठीक है, चलो आगे। 400 की कॉल का पहला ट्रेड 9:55 का था। ठीक है, फिर अगला ट्रेड 10 बजे का था। ठीक है, अब चलते हैं 400 की पी, 400 की पी का पहला ट्रेड 9:51 का था, अभी तक सबसे पहला ट्रेड इसी का आया सामने। 450 की कॉल का पहला ट्रेड 10:26 का था। ठीक है, तो हमें क्या पता लगा कि 9:51 सबसे पहला ट्रेड जो है वो ये पी का डाला है, 9:51 का। तो हम पहले इसको देखते हैं, 9:51 पे मैंने 25.80 पे 1,000 क्वांटिटी पी की सेल करी सुबह ही सुबह सबसे पहले। तो एक बार चार्ट भी खोल लेंगे और देख लेंगे कि चार्ट पे मैंने ऐसा क्या देखा जो मैंने शॉर्ट किया। मैंने आपको इतनी बार समझाया है कि कोई भी इंसान जब ट्रेड लेता है स्टॉक मार्केट के अंदर, एजम्पशन के बेस पे ही ट्रेड लेता है, कंफर्मेशन किसी को नहीं होती। तो आपको स्ट्रेटेजी छोड़ दो, आप ट्रेड तो आप वैसे भी लेने ही वाले हो, चाहे बाय करो चाहे सेल करो, आपको कुछ ना कुछ करना ही है बाजार के अंदर। तो भाई आप ट्रेड लो, मना किसने करा? तो मेरे को जैसे मार्केट का व्यू लगा ऊपर का, तो मैंने ट्रेड ले लिया। चलो देखते क्या मार्केट सुबह खुला इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा करता रहा करता रहा, 9:51 पे मार्केट ने डे लो ब्रेक किया है और ब्रेक करते ऊपर भागा है। उसी टाइम पे मुझे आइडिया लगा कि मार्केट यहां से कहीं इस तरह को क्रॉस ना कर दे, तो
तो मैंने एक टी शॉर्ट कर दी 25.80 पे, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, 950, 150, 253 के आसपास, या मैंने 25.80 की पी शॉर्ट करी, 1000 क्वांटिटी, ज्यादा नहीं करी, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर निकला तो पी मेरी नीचे की तरफ आ गई। जैसे ही पी मेरी नीचे आई, तो आप देखो टाइम ध्यान रखना आप, 10 बजे के आसपास, जैसे ही पी मेरी नीचे आई तो मैंने उसी टाइम पे सी शॉर्ट करी, ठीक है। अब आ जाते हैं सी में, उसी टाइम पे मैंने सी शॉर्ट करी 400 वाली, ठीक है। सबसे पहला देखना आप, ये देखो 9:53 पे पहले 38 क्वांटिटी सेल करी, फिर 9:54 पे मैंने, यानी 9:54 पे मैंने 47 क्वांटिटी सेल करी, 47 रुपीज में, कितनी आई, 500 क्वांटिटी। फिर 10 बजे मैंने 51 पे मैंने और 500 क्वांटिटी सेल करी, तो ये मेरे ट्रेड बन गए। इस ट्रेड की एवरेज देख लेते क्या, ये 2000 क्वांटिटी की एवरेज, 38.1, 47.15 और ये 50.65, डिवाइड करके 3 से तो 45.3 की एवरेज आ रही है, 2000 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 45.3। बट उसके बाद कुछ ट्रेड मैंने चर्निंग करे, मतलब 53 में 500 क्वांटिटी बाय कर ली, फिर 51.80 में सेल कर दी तो यहाँ पे मुझे नुकसान लग गया, फिर 54 में बाय कर ली, फिर 53.65 में मैंने सेल कर दी तो यहाँ पे भी थोड़ा लॉस लग गया। कुल मिला के मुझे 2 रुपए के अप्रोक्स का मुझे लॉस लगा। तो मैंने क्या करा, जो मेरी एवरेज आई थी ना 45 समथिंग की, मैंने उसमें से ये लेस कर दिया, तो 2 रुपीज, तो 43 समथिंग की मेरी एवरेज बैठी थी नेट में। आप इसको लगा लेना, कैलकुलेट कर लेना अपने आप, इतना टाइम है नहीं, ये वीडियो बन रही है, इतना टाइम नहीं है बस। 50.65, 47.15, 38.10, ये करा 45.3 माइनस 2, तो 43.3 की हमारी एवरेज आ गई, 19400 की सी की, 2000 क्वांटिटी, ठीक है। ऑब्वियसली मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा था सुबह से ही, और मुझे पता है कि अगर मार्केट यहाँ पे तीन ये बनने के बाद भी डोजी बना रहा है, इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा, तो मैंने यहाँ पे और कॉल शॉर्ट कर दी। तभी मैंने 2000 क्वांटिटी बना ली थी, मुझे करना 1000 था, मैंने और सेल कर दी, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे, क्योंकि मुझे मार्केट नीचे लग रहा था भाई, ऑब्वियसली अगर आपको मार्केट नीचे लगेगा तो आप कॉल सेल करोगे या आप पी बाय करोगे, तो मैं तो एक सेलर हूँ तो मैं हमेशा सेलिंग की तरफ ध्यान रखता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कॉल सेल कर दी। जब कॉल सेल करी तो अगले 20 मिनट तक मार्केट यहीं घूमता रहा, और फिर मार्केट में शार्प फॉल आया, कहाँ से कहाँ तक, 19446 से लेकर 19416 तक का 30 पॉइंट्स का फॉल आया। उसी फॉल के अंदर मैंने इमिडिएटली अपने पोजिशंस को हैज कर दिया। कैसे, सबसे पहले तो मैंने पी को बाय किया, नीचे वाली पी को, यहाँ पे आप देखो 956 और 10:23, ठीक है, ये पहला ट्रेड था। और उसके बाद 15-20 मिनट के बाद दूसरा ट्रेड, जब ये डोजी बनने के बाद मार्केट फॉल हुआ तो फिर मैंने यहाँ पे इसको हेज कर दिया, तो 5.6 और 3.65, 4.62 की एवरेज मेरी यहाँ पे आ गई। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने ऑलरेडी एक सॉरी स्टॉक मॉक के अंदर एंट्रीज अपनी बनाई हुई है, ये मेरी एंट्रीज है जो मैंने एंट्री की, देखो 43.3 की एवरेज कॉल की थी, उसके बाद पी के मैंने कितनी लिखी यहाँ पे 4.68। अब आ जाते हैं सी का चेक करते हैं। फिर मैंने क्या करा, 450 की सी बाय कर ली, क्योंकि मुझे सस्ती मिल रही थी, मार्केट नीचे आया तो मुझे चीप मिल रही थी, तो मैंने 10:26 पे ये मैंने सी बाय कर ली, 11.6 जो भी एवरेज है, 11.66 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ये ना सोचो कि इसमें भी ट्रेडर जो है पागल बना रहा है, 11.66 कर देते हैं, चलो ये लो, ठीक है, ये हमने इसकी भी एंट्री डाल दी। अब बात आती है 400 की पी, 400 की पी की एंट्री नहीं हमने अभी चेक नहीं करी है, वो भी चेक कर लेते हैं, 400 की पी की एंट्री चेक कर लेते हैं, कितने की थी, सारी एंट्री चेक हो गई है सिर्फ इसको छोड़ के। ये यह देखो यहाँ पे मैंने 1000 क्वांटिटी पहले यहाँ बेची थी, फिर जब मार्केट में शार्प फॉल आया तो 16.40 में मैंने और क्वांटिटी बेच दी। आप यहाँ पे देख लो एवरेज क्या है, 25.80, 16.40, डिवाइड करोगे तो 2110 की एवरेज पड़ती है, वो मैंने यहाँ पे स्टॉक मॉक में लिख दी है, यहाँ पे आपको दिखेगी स्टॉक मॉक में ये एंट्री। अब आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो भैया 1:23 का रेशियो आपका निकल करके आ रहा है, इससे ज्यादा भाई इसको भी अगर आप बोलोगे कि ये तो फ्री हुई नहीं, अब भाई इसको भी आपको ये 3800 का लॉस आपको ये भी फ्री करना है तो थोड़ा और वेट कर लो, वो भी हो जाती, लेकिन भाई मैं ट्रेडर हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, सिंपल सी बात है, मैं कैलकुलेटिव ट्रेडिंग करता हूँ, मैं पागल नहीं हूँ कि मैं इसको 3800 को बचाने के चक्कर में पता लगा मैं 20-25 हज़ार का लॉस कर दूँ, तो इसलिए मैंने सोचा भाई ये 2 रुपये मत बचाओ, इस 2 रुपये को जाने दो, लेकिन आपको सामने में पूरे 48 रुपीज आ रहे हैं, आप उस पर फोकस करो, 2 रुपए को छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर। तो मैंने 2 रुपए की कॉस्टिंग को छोड़ दिया और मैंने इस पे फोकस किया, ठीक है, और मेरी फ्लाई इस तरीके की बन गई। यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ आपको 3800 जाने को है, कैपिटल आपका यूज हुआ है 17 लाख,
0.2% मेरे को जाने को है, 5.4% आने को है भाई। ये फ्री नहीं है तो और क्या है, थोड़ा और कोई वेट करता तो फ्री बन जाती हो। तो मार्केट अल्टीमेटली एक्सपायर वही हुआ है, यहाँ मुझे 80,000 दिखा रहा आता हुआ, आने चाहिए थे मुझे, बट क्योंकि मैंने कुछ ट्रेड भी करे थे और इस वजह से मेरे को उतना पैसा नहीं आया जो आना चाहिए था। एनोटेशन को एक बार को बंद करते हैं, तो मेरे को उतना पैसा नहीं आया जितना पूरा, अगर मैं इसको वेट करता तो 80,000 यहाँ पे पूरे आते। बट मैंने बीच में कुछ और, देखो आपको यहाँ पे क्वांटिटी में डिफरेंस दिखेगा, यहाँ पे मैंने कुछ और ट्रेड्स भी लिए थे बीच में, जिस वजह से उस 80,000 ना बुक होकर 65,000 बुक हुआ है, विच इज वेरी 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 एक बोलेंगे कि बहुत अच्छी ही एवरेज है। अगर आप 17 लाख के फंड पे देखोगे, 3.81% आपने इंट्राडे में बुक किया, आपको इससे ज्यादा और क्या चाहिए भैया। आप तो पूरे महीने का फोकस करते हैं, यहाँ पे आपको हमें मिल रहा है इंट्राडे के अंदर, तो ठीक है ठीक है। तो इस तरीके से फ्री, नो लॉस आयरन फ्लाई का मतलब ये था मेरा उस रील को बनाने का, ये नहीं था कि जो है आपको लॉस हो ही नहीं सकता, या क्योंकि देखो इसके अंदर ना बहुत ज्यादा मास्टरी चाहिए, इसके अंदर मास्टरी चाहिए। मैं इसको फ्री भी कर सकता था, लेकिन मैंने फ्री तक का वेट नहीं करा, मैंने अपना दिमाग लगाया कि छोड़ना यार, 2-4 हजार रुपये जाने दे, सामने 80-90 हजार तो आ ही रहे हैं। ठीक है चलो, अब ये तो हो गया नॉर्मल नो लॉस आयरन फ्लाई वाला जो मैंने बताया मेथड, उस कंडीशन में कैसे करते हैं। ठीक है एक मिनट रुको, अब आपको दिखाता हूं कि अगर आप वैसे आयरन फ्लाई बनाओगे, मतलब वेट ना करके नॉन एडजस्टेड आयरन फ्लाई अगर बनाते हो, तो उस कंडीशन में आप कुछ, आपकी जो आयरन फ्लाई है वो ऐसी बनती है। ये मेरे पास एक आयरन फ्लाई बनी हुई है मंथली की, ये मैंने एक मंथली की आयरन फ्लाई बनाई हुई है 1800 क्वांटिटीज के अंदर। ये नॉर्मल आयरन फ्लाई है, मतलब मैंने कुछ नहीं करा, सामने मार्केट रेट जो भी चल रहे थे मैंने उन्हीं रेट्स पर ट्रेड कर दिया, तो मेरे को 42,000 यहाँ पर लॉस लग रहा है अभी, और मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ एक्सपायरी तक। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी एंट्री दिखाऊंगा, अगर मैं आपको स्टॉक मॉक के ऊपर जाके यहाँ पे पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ, देखो अगर मैं आपको इसका दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर जाने को 2.72 लाख है, आने को 6.29 लाख है, 1:2.3 का रेशियो बैठ रहा है। तो जनरली आयरन फ्राई के अंदर 1:2 का रेशियो मिलता है, 1:3 का भी मिलता है बिफोर एक्सपायरीज, और एक्सपायरी वाले दिन 1:1 हो जाता है। ठीक है, यही फर्क है आयरन फ्लाई के अंदर। अगर आप एडजस्टेड बनाना चाहते हो एडजस्टेड बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए मार्केट की, सब कुछ प्रॉपर चाहिए। ठीक है, तभी बन पाएगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी। तो ये मैंने आपके लिए ये वीडियो इसलिए बनाई थी कि भैया आप देख लो और समझ लो कैसे बनाई जाती है एडजस्टेड आयरन फ्लाई। ठीक है चलो, मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो इसी तरीके की लेके आऊंगा जिसमें आपको कुछ सीखने को मिले। बाय बाय, टेक केयर।